हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल्स। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, हींग, ग्रीन चिलीज, अजवाइन, जिंजर फाइनली चॉप्ड, 2 मीडियम अनियन फाइनली चॉप्ड, 3 बॉइल्ड पोटैटोस, और ये है हींग, 3 पिंच ऑफ हींग और 2 टीस्पून अमचूर पाउडर। अब हम इसमें मिक्स करते हैं अनियन, अब हम इसमें डालेंगे जिंजर जो हमने फाइनली चॉप्ड काटा हुआ है, सारा डाल देंगे जितना बचा कुचा है, वेस्ट नहीं करते हैं। ये हमने डाली ग्रीन चिलीज और अजवाइन। ग्रीन चिलीज आप सीड्स निकाल सकते हो या आप कम कर सकते हो, मैंने सीड्स के साथ डाला है। ये डाला हींग, 3 पिंच ऑफ हींग, 2 टीस्पून अमचूर पाउडर। अब हम डालेंगे कुछ मसाले, डालेंगे सॉल्ट, आप स्पून देख लो उस हिसाब से आप एडजस्ट करना, सॉल्ट सब अपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं। मैंने 1.5 टीस्पून डाला है और रेड चिली पाउडर भी 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1.5 अगर आप आलू ज़्यादा डाल रहे हो तो धनिया पाउडर आप ज़्यादा डालो, क्योंकि वो मिक्सचर करते हुए थोड़ा पता नहीं चलता है ना। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, आप मैशर से भी कर सकते हो पर हाथ से ज़्यादा अच्छे से होता है मिक्स। अब तो अच्छे से आप मिक्स करो सारे मसाले, अनियन, पोटैटो, रेड चिली, आप चाहो तो आप ग्लव्स पहन के भी कर सकते हो। अब हम ब्रेड लेंगे, मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, ब्राउन ब्रेड का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है वाइट ब्रेड से, आपकी मर्ज़ी आप जो ट्राई करो। मैंने इसके साइड्स काट लिए हैं गाइस, मैंने अब टिप्स देती हूँ आपको, आप इसमें इसे ड्राई रोस्ट करो, इसके ब्रेड क्रम्स बना लो, कुछ नहीं डालना, सिर्फ पैन में डाल दो इसकी साइड्स और इसके बन जाएंगे, इसको ब्लेंड कर देना और आप इसको आगे यूज़ कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगी इसकी यूजेस। अब हम बनाना शुरू करते हैं। हम एक बोल में पानी ले लेंगे तो उसकी सारी साइड्स किनारे किनारे से हल्का हल्का सोक करेंगे और उसका पानी फिर निचोड़ लेंगे अच्छे से, पानी सारा निचोड़ लेंगे गाइस, वरना जब हम फ्राई करेंगे तो फिर उस टाइम ना, वरना तेल ब्रेड बहुत तेज सोक कर लेगी अगर हम उसका पानी अच्छे से नहीं निचोड़ेंगे। अब मैं इसे अच्छे से इसकी फिलिंग भरती हूँ, इसमें बॉल्स, छोटी छोटी बॉल्स बना देंगे, तो इसमें हम कर देंगे फिल अच्छे से। अब स्लोली स्लोली प्रेस करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, इतना कि वो अपनी शेप ले ले अच्छे से, थोड़ा अपने पाम की हेल्प से हल्के 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 हाथों से आप प्रेस करो, आपका ब्रेड रोल बन जाएगा। ज़्यादा ज़ोर से मत करना वरना उसका मिक्सचर बाहर आ जाए। ये देखो बन गया है, मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। अभी वाटर लगाएंगे, निचोड़ेंगे, बॉल्स लेंगे, हाथ में बॉल बनाएंगे छोटी सी, ज़्यादा भी नहीं, छोटे पाम के साइज़ की, थोड़ा सा बॉल रखी, फोल्ड करा और अच्छे से अब उसे प्रेस करके उसको शेप देंगे अच्छे से हल्के हाथों से। दिया मेन हीरो आपका मिक्सचर है, अगर आप वही अच्छे से बना दोगे तो आपके ब्रेड रोल बहुत अच्छे बनेंगे।
ये हमारे दो बन गए, ये सारे बन गए। अब हम इन्हें कुछ देर के लिए रखेंगे फ्रीज़र में। अब हमें निकालिए, 30 मिनट्स हो गए। हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। जब हम डालेंगे तब आप मीडियम फ्लेम रखो, जब आप सारे डाल दो एटलीस्ट 3 एट ए टाइम डालो तो बेटर है, 4 भी डाल सकते हो पर 3 बेटर। फर्स्ट टाइम बनाओगे तो 3 डालना, जब नेक्स्ट टाइम बनाओगे तब आप 4 डाल लेना। जब डालोगे तब तो ठीक है, फिर उसकी आप फ्लेम कम कर देना, मीडियम से कम कर देना फ्लेम, वरना जल जाएंगे। और जब 1 मिनट तक उसे हिलाना मत, वरना टूट सकते हैं। जब तक वो थोड़ा अपना शेप अपना पकड़ लें फ्राई होते हुए, तब छेड़ना, तब वो थोड़े अलग अलग अपने आप हो जाएंगे, वरना वो स्टिक हो जाएंगे और फिर टूट सकते हैं। तब 1.5 मिनट बाद उसे पलटाओ स्लोली स्लोली, और फिर हल्के जब गोल्डन हो जाए तब आप निकाल सकते हो। देखो हमने कुछ बना लिए हैं, सब बाकी खुश रह गए हैं बस। सो सिंपल गाइस, आप भी बना सकते हो आराम से। आपने क्रंच सुना अभी, इतने क्रंची हैं अच्छे से, ऐसे ही क्रंची क्रंची बनेंगे। आप भी ट्राई करो। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हो, प्रिया किचन करके है, आप मुझे वहाँ टैग कर सकते हो आपने बनाया है तो।